नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के कांग्रेस एमएलए जुबेर खान का निधन। अलवर के रामगढ़ एमएलए व राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान का शनिवार सुबह 6 बजे निधन हो गया। अलवर शहर के निकट ढाई पेड़ी स्थित खुद के फार्म हाउस पर अंतिम सांस ली। जुबेर खान के जनाजे को आज असर की नमाज के बाद शाम 5 बजे गैस गोदाम के पास रामगढ़ अलवर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 1 साल पहले हुए लीवर ट्रांसप्लांट के बाद से वे काफी बीमार चल रहे थे। लड़की बनकर हाईवे पर खड़े होते लड़के, फिर करते लूट। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग को पकड़ा गया है। गैंग ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाते थे। एक सदस्य लड़की के कपड़े पहनकर ट्रक को रुकवाता था, इसके बाद बातों में फंसाकर झाड़ियों में ले जाकर लूट करता था। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बदमाशों को खरपीणा में लूट की योजना बनाते हुए पकड़ा है। पूछताछ में गैंग ने कई वारदात करना कबूला है। पुलिस ने गैंग के 6 बदमाशों को पकड़ा है। जयपुर में धर्म परिवर्तन करवाने पहुंचे दंपति। जयपुर में एक दंपति के धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रार्थना करवाकर निकले पति पत्नी को लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। धर्म परिवर्तन के कराने के पीछे सभी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया गया। गांधीनगर थाने पहुंचे लोगों ने धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा करने के साथ मामला दर्ज करवाया। खरनाल में हंगामा। नागौर के खरनाल में शुक्रवार को वीर तेजाजी के मेले में होने वाली धर्म सभा में हंगामा हो गया। लोगों ने माइक उखाड़ दिया। सभा में मौजूद कुछ लोग मंच पर भाजपा नेताओं के बैठने का विरोध कर रहे थे। लोग आरएलपी का झंडा लहरा रहे थे। बार बार अपील करने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष भमवरुराम धौलिया ने धर्म सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। धर्म सभा में बड़ी संख्या में सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थक झंडे लेकर मौजूद थे। मंच पर जब भाजपा नेता रेवतराम डागा को सम्मान के लिए बुलाया गया तो हंगामा तेज हो गया। राजस्थान में बदला मौसम। राजस्थान में लंबे समय से चला आ रहा भारी बारिश का दौर अब थम गया। शुक्रवार को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर शेष जिलों में आसमान साफ रहा, धूप निकली। अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा के कुछ एरिया में हल्की बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राजस्थान में अगले 4 दिन यानी 17 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने और बारिश बहुत कम होने की संभावना जताई है। केवल झालावाड़ को छोड़कर शेष सभी 32 जिलों में बारिश औसत से ज्यादा हुई है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जैसलमेर में तो औसत से दोगुनी से भी ज्यादा बरसात हो गई। जापान यात्रा से लौटे सीएम भजनलाल का स्वागत। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जापान गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान और साउथ कोरिया के दौरे से आज वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य स्वागत कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। पहले बीजेपी नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। बीसलपुर बांध से पानी निकासी घटाई। जिले समेत बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में एक बार फिर बारिश थमने से बांध में भी पानी की आवक कम हो गई है। इसके चलते बांध के 6 गेट खोलकर बनास नदी में की जा रही पानी निकासी भी कम कर दी है। शनिवार सुबह करीब 7 बजे बांध के 6 गेटों को आधा आधा मीटर खोलकर प्रति सेकंड 18,030 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। राजस्थान को नवंबर तक दो और वंदे भारत। राजस्थान को नवंबर से दो और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। एक जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर और दूसरी दिल्ली बीकानेर वाया चूरू रतनगढ़ है। गौरतलब है कि जोधपुर दिल्ली के बीच वाया जयपुर वंदे भारत शुरू होने से ये जयपुर से गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। अभी राजस्थान से जयपुर उदयपुर जयपुर, अजमेर दिल्ली अजमेर वाया जयपुर, भगत की कोठी साबरमती भगत की कोठी, उदयपुर आगरा कैंट उदयपुर वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। मस्जिद की मीनार गिरने से बुजुर्ग की मौत का मामला। सवाई माधोपुर के खिरणी कस्बे में गुरुवार रात बारिश के चलते मस्जिद की करीब 70 फीट ऊंची निर्माणाधीन मीनार के पक्के मकान पर गिरने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद विवाद हो गया था। यहां मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जिला कलेक्टर व एसपी और परिजनों के बीच चली लंबी वार्ता के बाद 20 घंटे के बाद पूरा घटनाक्रम समाप्त हुआ।
31 अक्टूबर तक करवा सकेंगे EKYC। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित सभी लाभार्थियों की EKYC करवाई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक EKYC करवाने वाले को ही गेहूं दिए जाएंगे। साथ ही जिनके पास 4 पहिया वाहन और ITR भरने वाले हैं, उनको खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा। डोटासरा ने कहा, बीजेपी नहीं जीतेगी एक भी सीट। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ED CBI का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में 6 उपचुनाव हैं, जिसमें बीजेपी शून्य रहेगी। किसानों को मिलेगी 50,000 की सब्सिडी। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से पूरे राजस्थान में 5,000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का लक्ष्य साधा है। इस कदम के तहत बांसवाड़ा जिले में 100 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएंगी। इसके लगाने पर किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में कुल 5,000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जाएंगी। प्रॉपर्टी विवाद में 2 बुजुर्ग बहनों की किडनैपिंग। खबर आ रही है अजमेर से, जहां प्रॉपर्टी विवाद में 4 बदमाशों ने 2 बुजुर्ग बहनों का घर में घुसकर किडनैप कर लिया। दोनों को घसीटकर काले रंग की SUV में डालकर शहर में 3 घंटे घुमाते रहे। पड़ोसियों की सूचना पर 3 थानों की पुलिस पीछे लगी तो उन्हें छोड़कर फरार हो गए। आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और मारपीट करते हुए राजीनामा कर लेने का दबाव बनाया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर लिया है। 1,057 पदों पर भर्ती के लिए कल तक करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC की ओर से निकाली गई ANV SO पदों के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इन दोनों पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर है। बता दें कि राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इंजीनियर के 1,014 पद और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 43 असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। यह भर्ती विज्ञापन 5 अगस्त को जारी किया गया था। जयपुर में मृत गोवंश को लेकर फिर बड़ा विरोध। जयपुर के सिविल लाइन जोन में गुरुवार शाम निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट के टैंक में मृत गोवंश मिलने के बाद हंगामा हो गया था। इसके बाद नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग को सीज कर अगले हिस्से पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में निगम की टीम ने कार्रवाई रोक दी, जिसको लेकर अब जनता ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑडिट पेपर लीक के आरोपी पाराशर मीणा की प्रॉपर्टी कुर्क। राजस्थान में करीब 3 साल पहले हुए रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी प्रदीप पाराशर और रामकृपाल मीणा के प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। इन दोनों के पास, रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर के पास, कुल करीब 26,59,000 रुपए चल अचल संपत्ति मिली है। ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले करीब 11 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। करीब 2 महीने पहले ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया था। फ्री टैबलेट को लेकर आई बड़ी अपडेट। सरकारी स्कूलों के 55,723 मेधावी विद्यार्थियों के लिए टैबलेट खरीद लिए गए हैं, लेकिन यह अभी डिब्बों में बंद है। जिलावार वितरण के लिए यह टैबलेट 1 माह पूर्व ही जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंप दिए गए, लेकिन सिम के अभाव में इनका वितरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी इनकी सुरक्षा को लेकर डर रहे हैं। जब तक सिम कार्ड नहीं मिल जाते, तब तक इन टैबलेट का उपयोग नहीं हो सकेगा। CBSE 10वीं 12वीं मेन एग्जाम के प्राइवेट स्टूडेंट्स करें आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2025 में आयोजित होने वाली 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्राइवेट विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। इस दौरान 6 श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर होगी। शादी के 20 दिन बाद ही भागी लुटेरी दुल्हन। शादी के 20 दिन बाद ही दुल्हन फरार हो गई। भागने से पहले महिला ने पति समेत 6 लोगों को खाने में नशीली गोलियां दी। मामला बूंदी के दबलाना इलाके के धारधड़ी गांव का है। पशुपालकों को मिलेगा 1 लाख तक ब्याज मुक्त आरण। राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड आरण योजना शुरू की है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त आरण उपलब्ध कराया जाएगा। यह आरण 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। किसान की ओर से आरण का समय पर जमा करवाने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। गोपालक किसान परिवारों को गाय भैंस के लिए शेड,
खेली निर्माण एवं चारा बांट सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती थी, जिससे वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालक किसान को ब्याज मुक्त आर्ण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मोहन सिंह खटाना बसपा के जिलाध्यक्ष नियुक्त। दौसा में विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने संगठन को मजबूती देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कई जिलों में संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। उन्होंने पत्र जारी कर महावा क्षेत्र के समसपुर गांव निवासी मोहन सिंह खटाना को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह ने द्वारका प्रसाद मीणा व तेजराम बैरवा को जिला प्रभारी बनाया है। धार्मिक कार्यक्रम में कार ले जाने पर विवाद। जिले के बड़ोदिया कस्बे में धार्मिक कार्यक्रम के बीच हॉर्न बजाने पर माहौल गर्मा गया। दरअसल धार्मिक कार्यक्रम के बच एक युवक कार लेकर वहां पहुंचा था और अपनी घर की तरफ जा रहा था। इस पर लोगों ने समझाइश की, आयोजन खत्म होने के बाद निकल जाना। सीकर में अब 18 सितंबर तक मौसम ड्राई। जिले में पिछले 24 घंटे में बारिश का दौर कमजोर पड़ा है। पिछले 24 घंटे में जिले में कहीं भी बारिश नहीं हुई। वहीं जिले में अब 18 सितंबर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव होगा। जिले में पिछले 24 घंटे में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि कई इलाकों में बादल जरूर छाए रहे। फिलहाल जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक सीकर जिले में 18 सितंबर तक बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सीकर जिले में ज्यादातर समय मौसम ड्राई रहेगा। 15 सितंबर को जयपुर में होगा कर्मचारी महासंघ का चुनाव। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष के लिए 15 सितंबर 2024 को जयपुर में चुनाव होंगे। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मीडिया से बात करते हुए महासंघ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया, कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सियाराम शर्मा होंगे। भीलवाड़ा में तेजा दशमी पर गूंजे तेजाजी महाराज के जयकारे। तेजा दशमी के अवसर पर भीलवाड़ा में जाट समाज द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत भीलवाड़ा शहर के हरणी महादेव मंदिर परिसर में सर्व समाज की ओर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह ने तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कर तेजा ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा और वाहन रैली को रवाना किया है। 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली। 50% महिला आरक्षण के विरोध में बेरोजगार युवा छात्र संगठन राजस्थान की ओर से सीकर में विरोध प्रदर्शन किया गया और आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों बेरोजगार युवा नवलगढ़ रोड से रवाना होकर कलेक्ट्रेट कल्याण सर्किल होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे, जहां संगठन के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इन 4 जिलों को बायोमेडिकल वेस्ट से मिलेगी मुक्ति। जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए झुंझुनू में बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। मोड़ा पहाड़ की तलहटी के पास जहां पर वर्तमान में शहर का कचरा डाला जा रहा है, वहां पर एक खसरे पर इसका निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन का करार हो चुका है। हां, पर चारों जिलों सीकर चूरू झुंझुनू व नीम का थाना के होने वाले वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। हाईकोर्ट में फर्जी साइन पर याचिका दायर, एफआईआर दर्ज। जोधपुर हाईकोर्ट में फर्जी साइन पर संयुक्त दर्ज करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर कोर्ट के आदेश पर याचिका दर्ज करने वालों के खिलाफ कुड़ी भक्तासनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके जांच पुलिस करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही इस मामले में संदेह जता दिया था और मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। राजस्थान में सफल परीक्षण, 2.5 साल में सेना में शामिल होगा। भारत में बने लाइट टैंक जोरावर के जैसलमेर में सफल परीक्षण किए गए। ये टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। हल्का होने के कारण जोरावर पहाड़ी इलाकों में बहुत तेजी से चल सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में शुक्रवार को किए गए फील्ड टेस्ट के दौरान लाइट टैंक ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए सभी टारगेट को पूरा किया। डॉक्टर ने टॉयलेट में लगाया हिडन कैमरा। सीकर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर के टॉयलेट में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने रेड मारी तो टॉयलेट में हिडन कैमरा लगा मिला। सेंटर में डॉक्टर के केबिन में एक बैग में पेन ड्राइव मिली, जिसमें अश्लील वीडियो थे। पुलिस ने मामले में सेंटर संचालक डॉक्टर को डिटेन कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।